पहला बात को जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्लाउड क्यूएनए का, वो है ब्रीफली समराइज करना चैलेंजेस को जो स्टिल क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस हैं डाटा को, इंफॉर्मेशन को हैंडल करने पे, जिसका एक हमने डायग्राम में शो करा है कि बेसिकली क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। सिक्योरिटी और प्राइवेसी में, प्राइवेसी में आता है, इंटरपोर्टेबिलिटी में आता है, पोर्टेबिलिटी में आता है, कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस में आता है और रिलायबिलिटी एंड एबिलिटी में आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की। तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एक मेजर कंसर्न है अगर देखा जाए तो। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन एक बिगेस्ट चैलेंज है क्लाउड कंप्यूटिंग का। सिक्योरिटी इशू है इंप्लॉइंग करने के लिए इंक्रिप्शन को, सिक्योरिटी हार्डवेयर को, सिक्योरिटी एप्लीकेशन कि हमारा डाटा सिक्योर रहे। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी क्या है? दिस इज अनदर चैलेंज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दैट एप्लीकेशन कुड इजली माइग्रेटेड फ्रॉम वन कंप्यूटर क्लाउड प्रोवाइडर टू अनदर। देयर मे मस्ट नॉट बी अ वेंडर लॉक इन, हाउएवर इट इज नॉट येट मेड पॉसिबल बिकॉज ईच ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर यूजेस डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेजेस फॉर देयर प्लेटफॉर्म्स। कि क्या होता है कि पोर्टेबल करने में जब हम क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं अपने डाटा की एक क्लाउड प्रोवाइडर से दूसरे प्रोवाइडर पे, तो क्या होता है कि वहां पे जो है वेंडर जो है लॉक इन नहीं होता, जिसकी वजह से हमें क्या होता है डिफरेंट स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस, क्योंकि एक क्लाउड प्रोवाइडर डिफरेंट लैंग्वेज यूज करता है और एक प्रोवाइडर डिफरेंट, तो उसमें हमें पोर्टेबिलिटी में इश्यू आ जाता है। फिर आता है इंट्रोपेराबिलिटी। इंट्रोपेराबिलिटी क्या होता है? इट मीन्स ऑफ एप्लीकेशन इन वन प्लेटफॉर्म शुड बी अवेलेबल टू इनकॉर्पोरेट सर्विसेज फ्रॉम द अदर प्लेटफॉर्म। इट इज मेड वी हैव वेब सर्विसेज बट डेवलपिंग सच वेब सर्विसेज इज कॉम्प्लेक्स। कि ऐसी वेब सर्विसेज बनाना ये एक कॉम्प्लेक्स था। अगला आता है कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस। कि डाटा इंटेंसिव एप्लीकेशन ऑन क्लाउड रिक्वायर्स हाई नेटवर्क बैंडविड्थ। कि ऐसी चीजों के लिए हमें जो है हाई नेटवर्क बैंडविड्थ चाहिए होती है जो रिजल्ट करती है हाई कॉस्ट को। लो बैंडविड्थ डज नॉट मीट द डिजायर्ड कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द क्लाउड एप्लीकेशन। और लो बैंडविड्थ जो होती है मीट नहीं करती इस स्टैंडर्ड्स को क्लाउड एप्लीकेशन। अगला आता है रिलायबिलिटी एंड अवेबिलिटी। इट इज नेसेसरी फॉर क्लाउड सिस्टम टू बी रिलायबल एंड रोबूस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिजनेस आर नाउ बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द थर्ड पार्टी। कि थर्ड पार्टी के बेस पे है तो रिलायबल और रोबूस्ट होना क्लाउड सिस्टम्स का ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है हमारी चीजों को अच्छा रखने। तो ये चैलेंजेस हमने बात करी इस वीडियो में, आई होप आपको समझ में आएंगे और